कोविड का इलाज कर रहे डॉक्टर से मांगी 1 करोड़ की फिरौती। वेब सीरीज देखने के बाद बनाई अपहरण की रणनीति। जिस डॉक्टर की वजह से कोविड से ठीक हुए उसी डॉक्टर को एक महिला मरीज ने 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी, अन्यथा बच्चे को जान से मारने की धमकी भी दी। नागपुर के बेलतरोड़ी थाना क्षेत्र की शिल्पा सोसाइटी की रहने वाली शीतल इटनकर के मन में एक वेब सीरीज देखकर अपहरण कर फिरौती मांगने का विचार आया। जब फिरौती की चिट्ठी आई, डॉक्टर तुषार पांडे ने शुरू में पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। जिस कुरियर से पत्र भेजा गया था उसके सीसीटीवी चेक से पता चला कि एक महिला ने झूठे नाम से पत्र भेजा था। उसके बाद पुलिस ने पता लगाया कि महिला कहां से आई थी और कहां गई थी। सड़क पर सीसीटीवी द्वारा खोज करने पर पता चला कि महिला का शीतल इटनकर थी, जो शिल्पा सोसाइटी नागपुर की निवासी थी। शीतल एक अच्छे परिवार से है और पेशे से एक फैशन डिजाइनर है। शिल्पा के पति एक सरकारी अधिकारी है। हालांकि उनके इस कदम से सभी को हैरान कर दिया है। शीतल इटनकर को बेलतरोड़ी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जांच कर रही है कि क्या उसके साथ और लोग इस अपराध में शामिल थे या नहीं। सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए आप। मैं पुलिस इंस्पेक्टर विजय आपको, पुलिस थाना बेलतरोड़ी। सर, जो एक मामला आया है, एक महिला ने किसी डॉक्टर को करोड़ों रुपए की फिरौती मांगी, क्या बताओगे? 11 तारीख को हमारे तरफ एक तकरार है कि डॉक्टर पांडे नाम के जो फिरौती हुआ है हमारे तरफ, और उन्होंने बताया कि उन्हें एक पत्र आया है कुरियर के माध्यम से और उसमें 1 करोड़ अगर तुमने नहीं दिया तो तुम्हारे दोनों बच्चों को किडनैप करके हम जान से मारेंगे करके धमकी दी गई। करके हम लोगों ने उसका तपास किए और तपास करने के बाद तो उसमें।